नमस्कार मित्रों, मैं राजीव बंसल फिर हंसी की आवाज से आपका दोस्त आपका मित्र हाजिर हूँ ताजा तरीन समाचार लेकर। हालांकि हम जानते हैं कि प्रदेश का चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गया है और टिकटों का आवंटन होना है, पितृपक्ष के बाद टिकटों का आवंटन होना, लेकिन हमारा आकलन हम अपने आप यानी कि जैसे कि हमने लोगों की राय सुमारी ली है, उनसे जो बात की है और जैसे भी जितने भी प्रत्याशी जो अपने आप को समझ रहे हैं उनका जिस्म निकाल कर हम आपके सामने दे रहे हैं। सबसे पहले हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में अभी कुतूहल मचा हुआ है, घमासान मचा हुआ है कि यानी कि 75 पार का जो नारा दिया गया है इसके लिए यानी कि अन्य पार्टियों के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी में पिछले दिनों इंडक्शन की और शामिल हुए। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो फहरिस्त है बहुत लंबी है। हम सीधे सीधे आपसे बात करते हैं कि आइए हांसी हल्के से भारतीय जनता पार्टी यानी कि किस उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी। हालांकि 29 सितंबर को यानी कि नवरात्रे में ये लिस्ट जारी होनी है जैसे बराला जी का आया था, लेकिन हमारा आकलन हमारा एग्जिट जो है टिकटों के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, जो सबसे बड़ी पार्टी है और जिसने दावा किया है कि हम 75 पार ले जाएंगे। ऐसे में यानी कि जब कांग्रेस थोड़ा सा ग्राफ ऊपर उठ के आया है तो भारतीय जनता पार्टी ने मंथन शुरू कर दिया है। और हांसी में सबसे पहले बात करें विनोद भ्याना जो कि पहले हल्का में थे और फिर कांग्रेस में शिफ्ट हुआ CPS बने, टिकट का बराबर दावेदार करते आ रहे हैं और पता लगा है कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की एक बैठक भी बुलाई है और जिसमें यानी कि सूत्रों के अनुसार उन्होंने कहा है कि हम 4 तारीख को नॉमिनेशन फाइल करेंगे। ऐसे में लगता है कि विनोद भ्याना टिकट के करीब भी हैं और दूर भी हैं, दोनों ही बात कही जा सकती है। अगर उनको बाय द वे टिकट नहीं मिलती है तो वो इंडिपेंडेंट या ऑलमोस्ट किसी एक अन्य पार्टी में शामिल होकर चुनाव लड़ने की तैयारी में लगते हैं, ये हमारा अनुमान है। उसके बाद यानी कि राजेश टकराल का नंबर आता है जो पंजाबी बिरादरी से हैं और वो भी यानी कि कैडर बेस नेता के तौर पे अपने आप को पेश कर रहे हैं और बार बार चंडीगढ़ और दिल्ली से संपर्क साधे हुए हैं। ये सब कुछ भविष्य के गर्भ में है। अतर सैनी भी इस पैनल में है और उसके बाद अतर सैनी पैनल में है, उसके बाद कुछ महिलाएं हैं जो 33% का दावा कर रही हैं जिसमें गायत्री देवी और नेहा धवन भी हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल यानी कि कांटे की टक्कर नजर आ रही है टिकटों की आवंटन में। सभी ने अपने प्रोफाइल और रेज्यूम वहां जमा करवा दिए हैं, शीर्ष नेताओं ने रेज्यूम ले लिए हैं। ऐसे में लगता है कि भी छत्रपाल भी अपना रेज्यूम दे के आए हैं जो पिछले दिनों या पिछली उसमें चुनाव में हारे थे और छत्रपाल भी अपना दावा पेश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल यानी कि जहाँ अगर आकलन करें तो यानी कि छत्रपाल, ठकराल और अतर सैनी और बिहाना ये चारों में से किसी एक को टिकट मिल सकती है। और सबसे ज़्यादा मजबूती जिसको हम अगर हमारा आकलन है वो हम कह सकते हैं कि ठकराल और छत्रपाल में से एक पंजाबी बिरादरी से है, एक जाट समाज से है, तो इनमें ही यानी कि टक्कर हो सकती है। और बिहाना भी अपना दावा जता रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ 29 तारीख को ही डिक्लेयर होना है। उसके बाद आता है कांग्रेस का। कांग्रेस जहां यहां सिटिंग MLA रेणुका बिश्नोई रही और वहां आदमपुर से कुलदीप बिश्नोई रहे, तो उन्होंने अभी दिल्ली में जाकर अपना क्लेम किया है कि नलवा हमारा हल्का हुआ करता था, नलवे पर संपत सिंह बराबर जोर लगा रहे हैं और कुलदीप बिश्नोई पनिहार को उतारना चाहते थे, लेकिन एक बड़ा नाम संपत सिंह का है जो पूर्व में मंत्री भी रहे, वित्त मंत्री रहे, तो ऐसे में उसकी नाराजगी अगर उनको टिकट ना दे तो उसकी नाराजगी कांग्रेस को भारी पड़ सकती है। इसलिए दोबारा से कहा जा रहा है कि PSC की मीटिंग में कि क्यों ना सिटिंग विधायकों को मैदान में उतारा जाए। तो ऐसे में रेणुका बिश्नोई यहाँ आ सकती है, आनंद जाखड़ उसके बाद जो युवा जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के उनका नाम आ रहा है और हरपाल बुरा भी जो कि पूर्व में टैक्स ट्रिब्यूनल के मेंबर रहे हैं। तीनों की तिगड़ी में से किसको टिकट मिलती है ये भविष्य के गर्म में है, लेकिन फिलहाल रेणुका बिश्नोई फिर से मैदान में आने की तैयारी में लगती है जैसा कि उन्होंने क्लेम किया नलवा की टिकट से। अगर नलवा की टिकट कटती है तो कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि मुझे आदमपुर और हांसी वापस दीजिए। और PSC में भी यही डिसीजन हुआ है कि भी क्यों ना सिटिंग MLAs को टिकट दी जाए। JJP की बात करते हैं, JJP दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, NLO से इतर होकर आई है। JJP में
जेजेपी में तीन चार नाम सामने आए हैं, लेकिन मजबूती से जो उभर कर अभी हमारे सामने नाम आया है, जैसे कि हमें पता लगा है कि विजय जैन जो कि बरसों से इनेलो में कार्यकर्ता रहे हैं और नेता रहे हैं और पूर्व में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन भी रहे हैं, तो काफ़ी सालों से टिकट की दौड़ में थे और पिछले 2000 में जब सुभाष गोयल को टिकट मिली तो जब भी ये दौड़ में थे, जब उनको महरूम रख दिया गया था, अब ये जेजेपी में हैं तो मजबूती से दावा पेश कर रहे हैं। उसके बाद राहुल मक्कड़ जो पूर्व और स्वर्गीय विधायक जो तीन योजना में विधायक रहे हैं, अभी चंद मक्कड़ के पोते हैं, वो भी इस बात के लिए तरजीह दे रहे हैं। लेकिन साथ ही एक उसको नकारा नहीं जा सकता कि भी प्रवीण इलावादी जो है एक कदावर यानी कि एमसी रहे हैं और चेयरमैन प्रतिनिधि भी रहे हैं और 5 बार लगातार यानी कि पार्षद रहे हैं, उनको भी टिकट का पूरा पूरी उम्मीद है। लेकिन जहां तक बात करते हैं जेजेपी की, तो समीकरणों के अनुसार यानी जातीय समीकरणों के अनुसार भी विजय जैन का बलरा भारी लगता रहा और जेजेपी उस पर दाव खेल सकती है। अब बात आती है इनेलो की। इनेलो की सीधी सी है कि इनेलो के लिए कोई ज्यादा टिकट की दावेदारी नहीं है, फिर भी बाटोल खरकड़ा के कुलवीर बामन को यानी कि टिकट दी जा सकती है। और उसके बाद एक बेरवाल है जो भाटला के जो जिला अध्यक्ष भी हैं, हल्का प्रधान है, तो उनको भी यानी टिकट की दावेदारी में देखा जाता है। लेकिन कुलवीर बामल पर इनेलो दाव खेल सकती है। इधर बीएसपी की बात करें तो बीएसपी अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। सुरेंद्र शर्मा बराबर जिन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था और ज़्यादा खासी यानी कि अच्छी पोजिशन नहीं रही थी, बराबर प्रचार कर रहे हैं और टिकट का दावे कर रहे हैं। लेकिन इधर से अगर बीजेपी में किसी को टिकट नहीं मिलती है किसी को, तो वो बीएसपी में जाकर अपना दावा यानी कि प्रत्याशी बनने की तैयारी में जुट गए हैं। ऐसे में अब हम आते हैं कि लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जो कि राजकुमार सैनी की हैं, हरि राम जी जिसके लिए बराबर तरजीह दे रहे थे कि भी मैं इस पार्टी से चुनाव लड़ूंगा और उसके लिए बराबर यहाँ उन्होंने जल से जलूस भी करवाए और राजकुमार सैनी जी का स्वागत भी करवाया, उनकी रैली भी करवाई, लेकिन उनकी तबीयत कुछ नासाज है। ऐसे में राजकुमार सैनी का प्रत्याशी कौन होता है? क्या हरि राम सैनी अपने यानी कि स्वास्थ्य को लेकर इतने चिंतित हैं या बराबर मैदान में उतरेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी उनकी बिल्कुल पिक्चर क्लियर नहीं है। फिलहाल ये सिनेरियो है, हमने 4-5 पार्टियों का सिनेरियो आपको दिया है, ये हमारा आकलन, हमने जब पहले जब लोकसभा का चुनाव से पूर्व एग्जिट पोल का भी आकलन दिया था, मेरे एडिटर अजय सैनी जी उनके साथ मिलकर हमने ये आकलन दिया था कि भी 9 सीट यानी कि भारतीय जनता पार्टी आएगी। हम करीब पहुंचे थे, बहुत करीब पहुंचे थे और 10 सीट यानी कि भारतीय जनता पार्टी ले गई थी, ये हमारा आकलन है। और ये हमारा टिकटों को लेकर हमारा ये एक अनुमान है, विश्लेषण है, ये विश्लेषण है मात्र, लेकिन ये विश्लेषण हमारा बड़ा स्टिक निकलता है, इस बात के लिए हम दावा भी करते हैं, लेकिन ये मात्र विश्लेषण लेकर चलिएगा। और बाकी तो यानी कि इनके शीर्ष नेता, उनका पैनल, उनके आका जो है भारतीय जनता पार्टी, हाँ ये जरूर बता दूं कि इस बार जो है कि लोकसभा की वेव जो है प्रदेश में कुछ ज़्यादा 75 पार का जो नारा बीजेपी बराबर लगा रही थी, उस 75 पार को यानी कि केमिस्ट्री सैलजा की और हुड्डा की केमिस्ट्री ने थोड़ा सा डेंट जरूर दिया है और दुष्यंत भी थोड़ा सा उभर कर आ रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि चौटाला साहब की 2 हफ्ते के लिए पैरोल बढ़ा दी गई है, वो भी इनेलो के लिए घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में किसी का गठबंधन भी हो सकता है आपस में, या सब मिलकर लड़ाव यानी कि चुनाव भी लड़ सकते हैं, ऐसा अब तो पोजिशन सिचुएशन नहीं रही है जो पहले हम सुनते थे। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के यानी 75 पार के उस रथ को रोकने के लिए सारी विपक्षी पार्टी अपने सोच समझ कर कैंडिडेट मैदान में उतारेगी, ये हमारा एक आकलन था, मेरा आकलन और मेरे एडिटर अजय सैनी का आकलन ये है, एक विश्लेषण है हमारा। हम इस पे स्टिक कितना उतरते हैं, 90% उतरते हैं, 100% उतरते हैं, ये तो आपको यानी कि 29 तारीख के बाद जब सभी पार्टियां के कैंडिडेट यानी कि आपको एक और बता दें कि आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले अपने कैंडिडेट उतारने शुरू कर दिए थे और यहाँ मनोज राठी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं जो जिला परिषद प्रतिनिधि भी हैं और मनोज राठी जो है आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। ऐसे में हमने सभी पार्टियों का विश्लेषण आपको दिया है और इस विश्लेषण को आप विश्लेषण ही समझिए। 29 तारीख को फिर हम आपसे मुखातिब होंगे, जैसे जैसे प्रत्याशियों के नाम आपके
आएंगे और अपटाक्षेप करेंगे, स्पष्ट हो जाएगी पोजीशन, तो हमारा आकलन और उस पोजीशन का आकलन हम मिलान करेंगे, हम कितने खरे उतरे हैं और हमारा यानी कि विश्लेषण कितना स्टिक गया है। मैं राजीव बंसल फिर आपसे मुखातिब हूँगा 29 तारीख के बाद, जैसे जैसे प्रत्याशी सामने आएंगे और आपसे फिर बात करेंगे और फिर चुनावी चर्चा करेंगे। हर चुनाव की खबर, ताज़ा तरीन खबर हाँसी की आवाज़ पर हम देने का प्रयास करते हैं और आप लोगों को जागरूक करते हैं कि अपने वोट का अधिकार यानी कि अपने मत सोच समझ कर डालिएगा, ऐसे व्यक्ति को डालिएगा जो आपकी बेबुद्धि के लिए, विकास के लिए, हाँसी के विकास के लिए, हल्के के विकास के लिए काम करे। इसी वक्तव्य के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलते हैं एक नए कार्यक्रम में, तब तक के लिए राजीव बंसल का प्यार भरा नमस्कार। लेकिन एक वादा आपसे लेता हूँ कि आप हाँसी की आवाज़ के बेल बटन आइटम को जरूर दबाइएगा और इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, यह आपका अपना प्रिय चैनल है। नमस्कार दोस्तों।